तो गैस अगर आप भी जियो का स्लो इंटरनेट स्पीड से परेशान है, आप इसे इंक्रीज करना चाहते हैं, तो गैस ये वीडियो खास करके आपके लिए बनाया हूँ। पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा APN सेटिंग, जिस APN सेटिंग को करते ही आपका जियो इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, स्पीड में चलेगा। ठीक है गैस, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा एक ही है। जैसे कि मैं कुछ दिन पहले मैं अपना चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी पोस्ट यानी कि पोल डाला था और मैं आप लोगों से पूछा था कि भाई आप लोगों का जो जियो का इंटरनेट स्पीड क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों कमेंट किया था यानी कि जो पोल पे वोट किया था कि स्लो स्पीड चल रहा है। गाइस आप साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर 1300 लोगों ने वोट किया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट आया है वो स्लो इंटरनेट में आया है। तो ये मुझे समझ में आया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो स्लो इंटरनेट का प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो मुझे एक APN सेटिंग का वीडियो बनाना चाहिए। तो गाइस ये जो वीडियो बहुत रिसर्च करके मैं बना रहा हूँ, तो पूरा वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद आप ये बताना ना भूलें, आप ये कमेंट करना ना भूलें कि आपका जो जियो इंटरनेट स्पीड इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं। तो वीडियो को देखते रहे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिठुर, आप देख रहे हैं टेक माइंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप इस तरह वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ APN सेटिंग क्या क्या करना होगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको फोन का जो सेटिंग है, सेटिंग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा। सिंपली आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका फोन में जितना सारा सिम कार्ड रहेगा, 1-2 यहाँ पर शो करेगा। तो आपका जो भी जियो सिम रहेगा वहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर जियो सिम पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो ऑप्शन आ जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम। गाइज ये जो एक्सेस पॉइंट नेम है, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको क्लिक करना है, ये जो प्लस वाला आइकॉन है, प्लस वाला आइकॉन पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको फिलअप कर लेना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नेम का ऑप्शन है, तो नेम पे मैं लिख लेता हूँ, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। गाइज मैं आपको बता दूँ, जियो 4G आपको लिखना है, स्पेस देना है, उसके बाद 4G लिखना है। 4G लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। सिंपली ओके जैसे करेंगे उसके बाद देखिए नीचे लिखा कि APN पर जैसे आप क्लिक करेंगे, APN के ऊपर आपको लिखना है स्मॉल लेटर में जियो नेट। ठीक है, आपको स्मॉल लेटर में ये लिखना है, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद देखिएगा ये जो प्रॉक्सी है गाइस, इस प्रॉक्सी को आपको छोड़ना है, पोर्ट को भी छोड़ना है, यूज़र नेम पासवर्ड को आपको छोड़ना है। उसके बाद जो सर्वर है गाइस, सर्वर पर डायरेक्ट आपको एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको लिखना है www.google, ठीक है, google.com आपको इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आपको कर देना है, सॉरी यहाँ पर देखिए डॉट नहीं लगा है, तो यहाँ से मैं डॉट लगा देता हूँ, उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये जो सर्वर है ये भी सेट हो गया है। अभी आपको करना क्या होगा, देखिए गाइज ये जो MMSC है इसको छोड़ना है, MMS प्रॉक्सी को छोड़ना है, MMS पोर्ट को भी छोड़ना है। और गाइज देखिए ये जो MCC है और MNC है गाइज, इसको भी तो एकदम छेड़छाड़ नहीं करना है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए ऑथेंटिकेशन टाइप, इसको भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद गाइज देखिए ये जो APN टाइप है गाइज, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है APN टाइप पर। ठीक है, और आपको स्मॉल लेटर में आपको लिखना है डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट आपको लिखना है, उसके बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद देखिए गाइज नीचे लिखा है APN प्रोटोकॉल। गाइज ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, APN प्रोटोकॉल, ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, तो APN प्रोटोकॉल जैसे पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर में IPv4 पर अभी देखिए सिलेक्ट है, लेकिन आपको सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है IPv4 और 6, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे है APN रोमिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, रोमिंग प्रोटोकॉल वाला ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी वही आपको करना है, आपको यहाँ पर IPv4 IPv6 पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज ये सेटिंग हो जाता है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा चीज़ जो होता है यानी जिसके वजह से इंटरनेट स्लो चलता है वो ये है BRR। ठीक है गाइज, BRR को आपको सिलेक्ट करना है इस तरीका, जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए अभी अनस्पेसिफाइड पर अभी देखिए सिलेक्ट है, लेकिन आपको इसे अनटिक कर देना है। उसके बाद नीचे जो LTE का ऑप्शन है गाइज, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद गाइज पूरा APN बिल्कुल सेट हो चुका है। अभी आपको करना क्या होगा, देखिए आपको ऊपर में जो सेव का बटन शो कर रहा है, सेव का बटन पर क्लिक करके गाइज आपको इसे सेव कर लेना है। ठीक है, जैसे आप सेव करेंगे देखिए गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जो सेटिंग किया वो APN यहाँ से शो कर रहा है। ठीक है गाइज, देखिए ये जो इंटरनेट अभी लिखा है ये पहले से ऑलरेडी ये सेट है आपका फोन में, इसीलिए आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है। आज देखिए गाइज ये जो जियो 4G अभी मैंने जो APN क्रिएट किया हूँ ये यहाँ पर है। ठीक है, तो इसे मतलब सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस बिंदु पर देखिए ये सिलेक्ट हो चुका है। अभी इसे एक बार बैक करना है। बैक करने के बाद आपको गाइज आपको इंटरनेट आपको यूज़ करना है। आप देखेंगे कि आपका इंटरनेट जो यूज जो चल रहा है वो पहले से ज़्यादा और भी स्पीड में चल रहा है। ठीक है, अगर पहले से अगर स्लो चल रहा था तो गाइज ये सेटिंग करने के बाद आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज यानी कि स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। और एक चीज़ गाइज मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में बताऊंगा, वो आप ध्यान से सुने। देखिए गाइज सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना कि अगर इस तरह सेटिंग करने के बाद भी अगर इंटरनेट स्पीड स्लो चल रहा है तो आपको क्या करना है। ठीक है, आपको सिंपली इस तरह से बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए ये जो सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जियो का सिम पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए एक्सेस पॉइंट नेम पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद जो आपने
एपीएन क्रिएट किया है उसके एपीएन पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे कि गाइस देखिए ये जो आपने एपीएन अभी सिलेक्ट किया है यानी क्रिएट किया है यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट मतलब क्लिक करेंगे ना ये जो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये जो आई का बटन है यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखने को मिलेगा। ठीक है तो आपको करना क्या करना देखिए गाइस आपको ये जो कुछ भी चीज़ें आपने लिखी है आपको सही तरीके से रखना है। सिर्फ आपको एक ही चीज़ चेंज करना है जो कि बेयरर का जो ऑप्शन है गाइस। ठीक है ये जो बेयरर का ऑप्शन है यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का आपने LT को सिलेक्ट किया था। अभी आपको करना क्या करना है यहाँ पर जितना सारा ऑप्शन है यहाँ पर आपको टिक लगा देना है इस तरीके से। ठीक है जितना सारा यहाँ पर है आपको टिक लगाते जाना है नीचे तक। ठीक है जितना सारा है इस तरीके से आपको टिक लगा देना है। उसके बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद गाइज आपको करना है इस तरीके से होम कर लेना है। होम करने के बाद गाइज आपका फोन को एक बार रिबूट करना है। रिबूट करने के बाद जैसे आप ओपन करेंगे ओपन करने के बाद गाइज आप देखेंगे कि आपका इंटरनेट स्पीड एकदम 110% स्पीड हो जाएगा पहले से ज़्यादा। ठीक है अगर पहले स्लो चल रहा तो अभी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्पीड इंक्रीज हो गया है। और गाइज ऐसा देखने के बाद आप कमेंट में ये लिखना ना भूले कि आपका ये जो ट्रिक काम में लगा है कि नहीं। तो गाइज फिर मिलते और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छा रहे सुस्त रहे अपना ख्याल रखें। जय हिंद वंदे मातरम।